फर्स्ट चैप्टर है आपका व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो जैसे आप प्लस वन में इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हो, इकोनॉमिक का मीनिंग पढ़ चुके हो, सेम वही फर्स्ट चैप्टर आपका बेसिक है, इंट्रोडक्शन है इकोनॉमिक्स का। तो सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक इज़ डैट ब्रांच ऑफ नॉलेज इन विच दोज एक्टिविटीज़ ऑफ मैन आर स्टडी विच दे अंडरटेक टू एक्वायर स्केर्स मीन्स। स्केयर्स का मतलब मीन्स क्या होता है, वेल्थ टू सेटिस्फाई देयर अनलिमिटेड वॉन्ट्स। जैसे देखो स्टूडेंट, बेसिकली आपने इकोनॉमिक्स प्लस वन में पढ़ी, तो इकोनॉमिक्स का मीन क्या होता है कि जो हम वुमेन हैं, हमारी वॉन्ट जो होती है वो अनलिमिटेड होते हैं, लेकिन जो सोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। तो हम अपने अनलिमिटेड वॉन्ट्स को लिमिटेड सोर्सेज से कैसे फुलफिल कर सकते हैं जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। तो सेम एज स्केर्स मीन्स वेल्थ टू सेटिस्फाई देयर अनलिमिटेड वॉन्ट्स, कि हम अपनी वेल्थ से जो अनलिमिटेड वॉन्ट्स हैं उनको कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं। डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द टर्म इकोनॉमिक्स रेफर्स टू डेट साइंस विच स्टडी ह्यूमन एक्टिविटी रिलेटेड टू वेल्थ, कि ह्यूमन्स की जितनी भी एक्टिविटी होती हैं वो वेल्थ से रिलेटेड होती है। द टर्म इकोनॉमिक इन इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ इट्स ओरिजन इन टू ग्रीक वर्ड। जो इकोनॉमिक वर्ड है टू ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें ओकियोस जिसका मतलब है हाउस होल्ड एंड नेमिन मीन्स मैनेजमेंट, कि हाउस होल्ड को कैसे मैनेज किया जाए। थस दे मीन मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, कि मैनेजमेंट को कैसे हाउस होल्ड किया जाए। वॉन्ट ऑफ ईच हाउस होल्ड आर अनलिमिटेड बट मोस्ट ऑफ द मीन्स टू सेटिस्फाई दैम लाइक फूड क्लॉथ एक्सेट्रा आर लिमिटेड, कि जो हाउस होल्ड की वॉन्ट होती है वो अनलिमिटेड होती है, लेकिन वो फूड क्लॉथ्स ये सब सोर्सेज जो होते हैं हमारे पास लिमिटेड होते हैं। दीज कैश मीन्स आर कॉल्ड वेल्थ, ये सब क्या है, हमारी वेल्थ है यानी कि संपदा है। ईच टू अचीव दिस ऑब्जेक्ट द नीड द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, कि हर किसी का ऑब्जेक्ट है, जितनी भी ये नीड्स हैं इनको पूरा करना। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस कंसर्न विद द एम्प्लॉयमेंट ऑफ ए सोसाइटी स्केर्स रिसोर्सेज डेट कैन बी पुट टू अल्टरनेटिव यूजेस टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस। कि इकोनॉमिक्स क्या है, एक सोशल साइंस है जो हमें कंसर्न करता है कि जितनी भी एम्प्लॉयमेंट हैं सोसाइटी के, वो अल्टरनेटिव यूजेस में बेस्ट ऑप्शन चूज करके कैसे अपनी गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर है, ये तो था इसका इंट्रोडक्शन सिर्फ आपको समझाने के लिए। इसके बाद डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स वुड वेरी मच लाइक टू एक्वेंट देमसेल्फ विद द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक बिफोर दे टेक अप इट्स स्टडी सीरियसली। ब्रीफ एंड एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट इन द गिवन इन डेफिनेशन, कि जो इकोनॉमिक का सब्जेक्ट है वो आपको डेफिनेशन में बताया गया है कि इसका मेन मोटिव होता क्या है। इकोनॉमिक इज़ ए डेवलपिंग ब्रांच ऑफ नॉलेज, कि इकोनॉमिक क्या है, डेवलपिंग ब्रांच है किसकी, नॉलेज की। इन डिफरेंट पीरियड्स डिफरेंट इकोनॉमिक्स हैव गिवन डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, कि अलग अलग टाइम पे जितने भी इकोनॉमिक्स हैं सब ने अपनी अपनी डेफिनेशंस अलग दी है। मेन डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स आर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरी, जो मेन डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की वो डिवाइड की गई है आपकी अलग अलग कैटेगरी में। तो जैसे आपकी फर्स्ट डेफिनेशन है वेल्थ डेफिनेशन, तो एडम स्मिथ द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक, जो एडम स्मिथ हैं वो आपके फर्स्ट फादर हैं मॉडर्न इकोनॉमिक के। इन दिस बुक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉसेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन पब्लिश्ड इन 1776, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉसेस एंड वेल्थ ऑफ नेशन, ये आपकी बुक का नाम है जिसमें पब्लिश की गई थी 1776 में। क्या, कि इकोनॉमिक इज़ एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉसेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, कि इकोनॉमिक ये इंक्वायरी करता है कि किसी चीज़ का नेचर क्या है और उसकी
उसका क्योसिस क्या है, मतलब उसका कारण क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक अनेबल अस टू नो वट इज वेल्थ, हाउ द वॉल्यूम ऑफ वेल्थ कैन बी इंक्रीज। वेल्थ का मीन्स होता है संपदा, मीन्स सोर्सेज, कि वट इज वेल्थ, वेल्थ क्या है, उसकी जो वेल्थ की वॉल्यूम है उसको हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। वट फैक्टर डिपेंड द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ वेल्थ ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि जो फैक्टर की सेविंग और इन्वेस्टमेंट है वेल्थ की उसको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। वेल्थ मीन्स ऑल काइंड ऑफ मटीरियल गुड्स, वेल्थ का मतलब जितनी भी सभी तरह के मटीरियल गुड्स जो भी हम प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो ये आपकी वेल्थ डेफिनेशन। आगे है क्रिटिसिज्म, मतलब जो हमें डेफिनेशन दी जाती है वो दूसरे इकोनॉमिक्स क्या करते हैं, उसका अपवाद करते हैं। तो क्रिटिसिज्म क्या है, वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक इज फॉल्टली, कि वेल्थ की डेफिनेशन इकोनॉमिक्स में फालतू है, मतलब बेकार है। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन इकोनॉमिक स्टडीज वेल्थ इंस्टेड ऑफ वेलफेयर ऑफ मैन, कि वेल्थ की जगह हम वेलफेयर ऑफ मैन देखना चाहिए, कि भाई हम मैन जो आदमी है उसका कल्याण कैसे कर सकते हैं, समाज का कल्याण कैसे हो सकता है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट वेल्थ इज ओनली ए मीन्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, कि वेल्थ जो है वो सिर्फ ह्यूमन की वांट्स को सेटिस्फाई करती है। इट इज़ नॉट करेक्ट टू गिव मोर इम्पोर्टेंस टू वेल्थ दैट मैन, ये करेक्ट नहीं है कि मैन के लिए वेल्थ ही इम्पोर्टेंट है। राइटर्स द क्लेरी रुकिन मॉरिस एक्सेट्रा हैव देयर फोर बिटरली क्रिटिसाइज्ड इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट ऑफ द वेल्थ वेल्थ डेफिनेशन दे हैव अल्टरली डिस्पर्ब्ड इज डिसमल साइंस और ए साइंस ऑफ ब्रेड एंड बटर, कि जो ये इकोनॉमिक्स हैं ये इस डेफिनेशन को सही नहीं मानते हैं। तो टाइम टू टाइम हर इकोनॉमिक्स ने अपनी डेफिनेशन अलग अलग तरह से प्रूव करी है, जिसको आपको समझना है और याद करना है। तो अभी आपको सिर्फ वेल्थ डेफिनेशन याद करना है, उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन जो ये अपवाद किया गया है इसका सॉल्यूशन दिया गया है आपका मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशंस में। तो ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।